सोहाना मंडी में इन दिनों सब्जियों की बंपर आवक हो रही है। इसके बावजूद किसानों में निराशा है। कारण, किसानों को सब्जियों के अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे और वे वाहनों का किराया भी नहीं निकाल पा रहे। हालत यह है कि अगर किसान सब्जियों को खेत में रोकता है तो उनका खेतों में ही खराब होने का डर बना रहता है, क्योंकि सब्जियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और अगर वे उसे मंडी लाते हैं तो सब्जियों की खपत नहीं होने के कारण उन्हें उनकी उपज के पूरे पैसे नहीं मिल पा रहे। सब्जियों की खपत कम होने का एक कारण और भी है। जयपुर शहर के होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे बंद पड़े हैं, जिनमें काफी मात्रा में सब्जियों की खपत होती है। वहीं देखने में आ रहा है कि कम दामों के चलते खुदरा उपभोक्ता सीधा मोहना मंडी पहुंचने लगे हैं। इस कारण से मंडी में कोरोना वायरस के फैलने का डर बना हुआ है। प्रशासन को शीघ्र ही इस पर कार्रवाई करनी होगी। सब्जियों की बात करें तो अभी सब्जियों के भाव में काफी गिरावट है। पिछले कई दिनों से किसानों को किराए के पैसे भी नहीं निकल पा रहे, उनकी सब्जियों के उनको पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे। इसका प्रमुख कारण यह है कि जयपुर शहर में सब्जियों की खपत काफी कम हो रही है। राजस्थान में आसपास की मंडियां व अन्य क्षेत्रों की मंडियां बंद होने के कारण सब्जियों के भाव में तेजी नहीं है और सब्जियों की जो आवक है वो मोहना मंडी में भरपूर हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी मोहना, जिसमें राजस्थान का नहीं अभी तो पूरे देश भर का किसान व्यापारी आता है। और सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दाम सामान्य तौर पर आज भी कमी रहे। टमाटर 4 से 5 रुपए किलो रहा, मिर्ची 5 रुपए किलो रही, कद्दू 4 से 5 रुपए किलो रहा, टिंडा 8 से 10 रुपए किलो रहा, शिमला मिर्च 10 रुपए किलो रही। और हम बात करें ककड़ी की, खीरा की, तो ककड़ी 5 रुपए किलो रही और खीरा 6 से 8 रुपए किलो रहा। सामान्य तौर पे किसी भी सब्जी में भाव उछाल नहीं देखा गया। सिर्फ एक अदरक और नींबू की बात करें तो नींबू 35 से 40 रुपए किलो रहा और अदरक 45 से 50 रुपए किलो रही। और आज भी मोहना मंडी में जो आवक रही बिल्कुल सामान्य रही। और किसानों की बात करें तो किसान को अभी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्जियों के भाव में तेजी नहीं होने के कारण किसान को उसके खाद बीज के पैसे भी निकलने मुश्किल हो पा रहे हैं। और इस कोरोना महामारी के चलते हम सभी का एकमात्र ध्येय यही है, सभी व्यापारियों का यही है कि जयपुर शहर की जनता को, आम जनता को सब्जी रियायती दामों में उपलब्ध हो, जिसको देखकर आज सभी मोहना मंडी के व्यापारी प्रतिबद्ध हैं और अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और किसान पिछले कई दिनों से, किसानों की बात करें तो किसानों को काफ़ी कामयाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आवक भरपूर है। सब्जी गर्मी के सीजन की सब्जियाँ पूरी खेतों में तैयार हो चुकी है। अगर किसान खेत में सब्जी रोकता है तो उसको खराब होने का भय बना रहता है, जिसके चलते किसान अपनी सब्जियां मंडियों में लेकर पहुंच रहा है।